हैं। और साहब हम यहाँ इसरी से जहाँ हमने कुंदे और पल्ले की सिलाई के लिए कपड़े को सेट किया है, यहाँ हम सिलाई लगाएंगे। हमने दोनों साइड में कुंदे और पल्ले की सिलाई को मुकम्मल कर लिया है। अब हम यहाँ आसन की सिलाई लगाएंगे। आसन की सिलाई के लिए हम यहाँ ऊपर से 1.5 इंच कपड़े को ओपन रखेंगे और यहाँ से सिलाई स्टार्ट करेंगे। इसी तरह से हम दूसरी साइड में भी 1.5 इंच कपड़े को ओपन रखेंगे। और यहाँ से सिलाई स्टार्ट करेंगे। इस नेपे की साइड से हमने जो 1.5 इंच कपड़े को ओपन रखा था, इसको टर्न करते हुए हम यहाँ पे इस तरह से टर्न करके यहाँ पे सिलाई लगाएंगे। इसी तरह से हम यहाँ दूसरी साइड में भी कपड़े को टर्न करके सिलाई लगाएंगे इस तरह से। व्यूअर्स अब हम यहाँ पे इस तरह से नेफे को टर्न करेंगे। इस तरह से टर्न करते हुए हम यहाँ से सिलाई स्टार्ट करेंगे। यहाँ से हमने 2 इंच कपड़े को एक्स्ट्रा लिया था, तो अब हम यहाँ से 1/2 इंच के करीब इसको इस तरह से टर्न करेंगे और यहाँ पे सिलाई लगाएंगे। हमने नेफे को टर्न कर लिया है। अब हमने पांचे की साइड में जो हमने 2 इंच कपड़े को एक्स्ट्रा लिया था, इसको हमने उल्टी साइड में इस्त्री से इस तरह से सेट कर लिया है। अब हम इसको खोलेंगे और यहाँ पे क्रीज लाइन पे हम ये पांचे की पट्टी को इस तरह से इस्त्री से सेट करेंगे। इसी तरह से हम दूसरी साइड में भी इसको इस तरह से खोलेंगे और यहाँ पे पांचा पट्टी को चिपकाएंगे। व्यूअर्स हमने इस पांचा पट्टी को चिपका लिया है। अब हम इस एक्स्ट्रा कपड़े को इस तरह से टर्न करेंगे और इस तरह से टर्न करने के बाद यहाँ भी इसको इस्त्री से सेट करेंगे। ये सब हम यहाँ पे सिलाई लगाएंगे। हमने यहाँ पे उल्टी साइड में सिलाई लगाई थी, अब हम सीधी साइड में यहाँ इस सिलाई के साथ डबल सिलाई लगाएंगे। अब हम यहाँ किनारे पे सिलाई लगाएंगे।
अब हम यहाँ भी डबल सिलाई लगाएंगे। व्यूअर्स, हमने दोनों साइड्स में पांचे की सिलाई को मुकम्मल कर लिया है। अब हम इसको इस तरह से टर्न करेंगे और यहाँ से पांचे का साइज लेने के बाद यहाँ से इनर लेग की सिलाई को मुकम्मल करेंगे। तो हमारे पांचे का साइज है 8.5 इंच, तो हम यहाँ 8.5 इंच से स्टार्ट करेंगे। यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे। हमने पांचे की और इनर लेग की सिलाई लगा ली है। अब हमारी सलवार की स्टिचिंग मुकम्मल हो चुकी है। अब हम यहाँ पे पॉकेट अटैच करेंगे।